नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं ज्योति चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला और आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत खास कुछ लेकर आई हूँ और वो ये है, आप फेस तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन सुन पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन दी हुई है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों की समस्याएं क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी हैं और आप पूछ नहीं पा रहे हैं या फिर पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे है नेटवर्क इश्यूज की वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं आने वाली हूँ लाइव, और कब और कैसे आने वाली हूँ उसके लिए अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को, अगर जो लोग जुड़े हुए हैं तो इसको इग्नोर करें और जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं तो वो लोग कमेंट्स में अपना फोन नंबर मैसेज कर दें, कमेंट्स कर दें अपना फोन नंबर ताकि उन लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं लाइव कब आने वाली हूँ, चार या पांच बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगी, रेगुलर आऊंगी, जिसमें आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप मुझे अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि मैं कब लाइव आ रही हूं, और उससे रिलेटिव और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से देर ना करेंगे, बिल्कुल भी देर बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करना है, कमेंट्स करना है, अपना फोन नंबर। जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं आप लोग चीजों का, कुछ इसमें चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा अच्छा कराऊं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए अपना नंबर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड भूलिएगा मत, लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ लोगों के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो ये तब तक नहीं जाएगा, खाली सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाएंगे, आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आप लोगों पर मेरा जो नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन है वो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज देखिए, ये है मेरा न्यू बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल से मेरे बैच को, और 1 अप्रैल से बिल्कुल नया बैच शुरू हो रहा है DSSP, KBS और TGT के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो जुड़ सकते हैं मुझसे, दिए गए नीचे जो नंबर दिया हुआ है उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है पहला, जो 47 नंबर का क्वेश्चन आज मुझे कराना था, सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था। तो देखिये, मोहरों का उपयोग क्यों होता था, व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए या खेल के लिए। तो सिंधु घाटी में जो मोहरों का उपयोग होता था वह व्यापार के लिए होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध कला घाटी के अवशेष हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, डांसिंग गर्ल है ये, दाढ़ी वाले सिर है, और ये पूछा गया है किस कला घाटी के अवशेष हैं ये, तो इसमें दिया हुआ सिंधु घाटी से पूछा गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या मोटेरा। तो देखिए, ये है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको भी पता है ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में। अब देखिएगा, आपको इसकी कैसे पहचान करनी है, आपको ये पता है कि लोथल कहाँ पर है, लोथल और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ है, भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या तिब्बत में। तो लोथल गुजरात मतलब हमारा कहाँ है, भारत में है। ये प्रश्न रिपीट होता है, TGT 2016 में भी आया है, तो इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे। स्थल स्पेशली कौन सा कहाँ कहाँ पर है, ये आप मैप के थ्रू बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एक मैप उठाएंगे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का आप उठाइएगा अगर सिंधु सभ्यता को आप ले रहे हैं, और उसमें एक इंडिया का भी लीजिएगा, क्योंकि इंडिया का अलग से मैप होता है तो उसमें चीजों को बड़ा क्लियरली उसमें समझ में आ जाता है। तो आप खुद से ये क्रिएट वर्क जो है आप खुद से करेंगे, खुद से अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी स्थल हैं उन स्थलों को उस पर मार्क करेंगे आप मैप पे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा मेरे हिसाब से कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है सार्वजनिक स्नानागार, ये भी हड़प्पा सभ्यता में है। पकी हुई मिट्टी का उपयोग, ये भी हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। बौद्ध मंदिर, ये हमने कहीं नहीं देखा है।
अब देखिए डॉक यार्ड या नौका घाट। नौका घाट क्या होता है? नौका घाट जहां पर नौका चलाई जाती है, नाव बोटिंग में आप मजा लेते हैं ना बोट करने का। तो देखिए ये तीन चीजें हमें मिलती है। सी वाला जो ऑप्शन है ये हमें कहीं नहीं दिखाई देता, मौत मंदिर हमें नहीं दिखाई देते हड़प्पा में, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, लोथल से प्राप्त कलाकृति किस काल की है? तो लोथल से प्राप्त जो कलाकृति है उनका समय पूछा गया है, मौर्य काल की है कि शुंग काल की है, सातवाहन काल की है कि सिंधु घाटी काल की है। तो लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियां हैं वो किस काल की हैं? सिंधु घाटी काल की है। किस काल की है? सिंधु घाटी काल की है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी जो अभी आपने पीछे पढ़ा है डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये बनी है देखिए ये कांसे की प्रथम कांस्य प्रतिमा के नाम से इसको जाना जाता है नर्तकी की। तो ये किस मटेरियल की बनी है? कांसे की बनी है। देखिए इससे प्रश्न बहुत आता है नर्तकी से, डांसिंग गर्ल से। कभी ये पूछ लेगा ये सुरक्षित कहां पर है, कभी आपसे पूछ लेगा ये बनी किसकी है, कभी पूछ लेगा इसकी माप बताइएगा, इस तरह से अलग अलग आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी सलाह है आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिली हुई जितनी भी मूर्तियां हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्यतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या आधुनिक काल से? तो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, और वो इसको ये है मतलब ईसा के पूर्व से भी, ईसा पूर्व से समय को से पहले का है, जहां से हमें जो समय था जो चीजें प्राप्त होती है वहां पर पढ़ाई के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है ऐसे काल को। क्योंकि आप देखते हैं सिंधु सभ्यता में जो भी हमें यहाँ पर लिपि मिलती है, लिखाई मिलती है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया सिंधु लिपि को। तो जहां से हम जिस लिपि को पढ़ नहीं सकते हैं तो ऐसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी जो भी प्राप्त हुई है वो चित्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, लिखित रूप में कोई हमें साक्ष्य प्राप्त जो होता है तो वो पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसकी लिपि भी कैसी है? चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। तो देखिए यूनिकॉर्न छवि से प्रश्न आ जाता है ये किस पर है? सिंधु घाटी की मोहरों पर है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है। तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? सैलखड़ी से बनी है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिंधु घाटी की मोहरों का जो आकार है वो क्या है? गोलाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, त्रिभुजाकार है। हाँ देखिएगा, सिंधु घाटी की मोहरें आकारों में मिलती हैं। तो सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वो आकारों में मिलती हैं, किस प्रकार की हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार? तो देखिए सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वह चौकोर मतलब आयताकार और उत्कीर्ण उकेरी गई हैं और गड्ढेदार हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन बी। अब हम आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की मोहरे वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। सिंधु घाटी की मोहरे मुख्यतः आकार आयताकार रूप में मिलती हैं। ठीक है, और सैलखड़ी पत्थर की बनाई गई है। हाँ ठीक है, ये सैलखड़ी देखिए ये लिखा सिंधु घाटी कालीन मोहरे चौकोर उत्कीर्ण गड्ढेदार आकार में। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब आते हैं 58 नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियों की जो तकनीक है। देखिए वही चीज आगे मैंने पीछे बताया था कि आपको तकनीक भी पूछी जा सकती है, तो इनकी तकनीक पूछी गई है। रेतों को द्वारा ढलाई, ये पीछे भी शायद प्रश्न आया है। मोम निकालकर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई, फाइबर में ढलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, सिंधु घाटी सॉरी मोम निकालकर बनाने की विधि। अब हम आ जाते हैं सिंधु घाटी से प्राप्त, कोई क्वेश्चन तो नहीं छोटा, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो सिंधु घाटी से जो अलंकृत मृद भांड मिलते हैं उनका आकार पूछा गया है किस प्रकार का है। तो देखिए उनका आकार अगर मैं बात करूं तो बिना सोचे समझे आप ज्यामितीय लगाएंगे, क्योंकि ये ज्यामितीय आकार में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है।
तो पुरुष धर किससे बना है? पुरुष धर बना है लाल चुने पत्थर का, लिखा भी होगा। प्रसिद्ध मूर्ति पुरुष धर जिसका माध्यम लाल चुना पत्थर है, हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की एक बनी पुरुष धर की मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियों का गठन यथार्थ तथा दर्शनीय और इसके निर्माण का समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व है। हाँ, इसका निर्माण का समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व है और ये मूर्ति दिल्ली में सुरक्षित है। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी की प्रतिमा किस सामग्री से बनी है? तो सामग्री पूछा गया है किससे बनी है, लकड़ी, पत्थर, धातु या मृण मूर्ति। तो मात्र देवी की जो प्रतिमा है वो मृण मूर्ति में बनी हुई है, ठीक है, माध्यम है मिट्टी से बनी है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला किस सामग्री से बनी है, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें या धातु से। तो ये बनी है पकी हुई ईंटों से, क्योंकि सिंधु घाटी की जो वास्तुकला है, जो भवन बने हैं वो पकी हुई ईंटों से बने हैं, जिसके कारण इसे पकाई मिट्टी की सभ्यता भी कहा जाता है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। अच्छा, इसके थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्या है। सिंधु घाटी की वास्तुकला पकी हुई ईंट के द्वारा निर्मित की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वास्तु एवं विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं। उत्खनन से सार्वजनिक भवन, राजप्रसाद, धान्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधियां दोनों नगरों से उपलब्ध है जो पकाई ईंटों द्वारा निर्मित किए गए हैं। पुरातात्विक श्री अच्छा ये तो खोज के बारे में दे दिया, फिर वही चीज ये बार बार रिपीट कर देते हैं काफी सारी चीजें ना। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है और काल अवधि से संबंध रखता है। तो धोलावीरा का समय पूछा गया है, किस समय से जुड़ा है ये? देखिए मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी या गुप्त काल। तो ये किससे जुड़ा है? सिंधु घाटी से जुड़ा है। चलिए इधर हम आ जाते हैं। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? देखिए मैं इसी को बोल रही थी कि इस मूर्ति से पूछा जाता है और इससे आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो इससे पूछा गया है डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये तो पहली बार नहीं पूछा गया, इसमें एक ही चीज दी हुई है, ये कई बार रिपीट हुआ है, डीएसएसपी, केबीएस और एनबीएस में भी आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कहां पर सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब लिखेंगे सिंधु घाटी, देखिए देखेंगे सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी है मिट्टी की, सीमेंट की या किसकी बनी हुई है? तो ये आप देखिए, ये अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बनी है, तो मोहरे किससे बनी है? मिट्टी की बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु बाकी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की, नीम वृक्ष की, बरगद की या शमी वृक्ष की? तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलश्री, किसने खोज की थी? तो देखिए खोज की थी, बी आंसर इज द राइट, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये दयाराम साहनी का पूरा फुल नेम है, तो दयाराम साहनी ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? तो देखिए ये वेदों से भी प्रश्न है, वेदों में कला आपने पढ़ा होगा, वैदिक कला, ये अर्थवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। देखिए किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र पाए जाते हैं? तो अगर आप देखें इसका आंसर डी है, ऋग्वेद में हमें मिलता है कि चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र बनाए गए थे और उसका साक्ष्य हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है।
अब देखते हैं भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार। नेक्स्ट देखेंगे पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है? सी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत गुजरात के समीप लोथल नामक स्थान मिलता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? एके कुमार स्वामी, राखलदास बंदोपाध्याय, कायल खंडालवाला, एमएस रंधावा। तो देखिए इसके लिए जो संबंधित है वो है राखलदास बंदोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए इसमें लिखा भी है राखलदास बंदोपाध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातात्विक हैं। यू तो प्रसिद्ध पुरातात्विक श्री कनिंघम ने सन, ये देखिए हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर 1921 में दयाराम सहनी तथा 1922 में आरडी बनर्जी की अध्यक्षता में कार्य प्रारंभ हुआ था। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, देखिए पाश्चात्य का प्रश्न है, तो देखेंगे दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। निम्नलिखित में से इसके लिए अगर आप पाश्चात्य को देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, पाश्चात्य भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था? तो देखिए लोथल, कालीबंगा, बनवाली, गिरिनगर। तो ये पूछ रहा है हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था, तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ए लोथल हड़प्पा संस्कृति का नगर है, ठीक, बी है कालीबंगा भी, बनवाली भी नगर है, डी गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लोथल स्थित है, तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में। सैंदव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो हम इधर आ जाते हैं, आप देखिए 2, 4, 6, 8, तो कितने नगरों को दी जाती है? 6 नगरों को प्रमाणिक तौर पर, देखिए ये प्रश्न था 6 नगरों को प्रमाणिक तौर पर सैंदव सभ्यता से प्राप्त नगरों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर उसका समय वास्तविकता में क्या है। अब देखिए इसका आंसर यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो मेनली जो आप लोग हैं इसीलिए पढ़ते भी हैं कि सिंधु सभ्यता की जो समय है उसका समय क्या है, कुछ को, क्योंकि जो आंसर ऐसे हैं इसमें कुछ के आंसर नहीं होते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, पहले क्या है 3000 से 2250 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 2875 से 1100 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व। ठीक, ये प्रश्न ऐसा नहीं है, ये पहली बार आपका टीजीटी 2004 में आया है, क्योंकि एक तो सन संदर्भ सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि ये टकराते हैं और स्पेशली इनके सन में कंफ्यूजन रहता है, शायद इसीलिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया, या तो उस समय कोई विवाद हुआ होगा इस प्रश्न को लेकर। जैसे इस बार भी आया था एक प्रश्न मध्य पाषाण काल से लेकर। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वैसे 3000 से 2250 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या आंसर होगा? 3000 से 2250 ईसा पूर्व इसकी अवधि में आपका सिंधु सभ्यता का
समय आ जाता है, बाकी को आप टिक नहीं करेंगे। 2250 ईसा पूर्व तक दिया हुआ, क्योंकि देखिए 4000 से भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो बेफिजूल के लग रहे हैं, क्योंकि 4000 ईसा पूर्व नहीं है, 3000 से हम मानते हैं, और ये 2875 ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1100 ईसा पूर्व दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर सही आएगा वो ये आएगा 3000 से 2250 ईसा पूर्व या 2250 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है नीचे। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण की एक भी सर्वमान्य तिथि नहीं है, विभिन्न विद्वानों ने इसका काल निर्धारण अलग अलग किया गया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक रहा। अर्नेस्ट मैकिन के अनुसार 2700 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा। रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व ज्ञात होता है। ठीक है, अब देखिएगा इनके कंक्लूजन में आप लोगों को थोड़े से दे देती हूँ, क्योंकि इन्होंने देखिए ये बोला है सिंधु घाटी के विद्वानों के मत के अनुसार, अगर हम देखें मार्शल के अनुसार 3200 से 2700 ईसा पूर्व है। तो अगर मैं ये कहूं कि हम मार्शल को मान ले तो तब भी गलत होगा आंसर। ठीक, लेकिन नियर बाई वो तब जब ये ऑप्शन में नहीं है। अब हम आ जाते हैं मैके ने, क्योंकि मैके ने भी चनहुदड़ू में खोज की थी, तो यहाँ पर 2700 से 1700 ईसा पूर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही है अपने हिसाब से। अब यहाँ पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व, अब इनमें से क्योंकि आप देख रहे हैं जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें इनके नियर बाई ऑप्शन चलना है। तो हमें नियर बाई कौन सा मिलता है, 3000 से 2250 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो हप्पा में पाई गई सीले किस माध्यम में बनाई गई है। तो देखिए इनका माध्यम क्या था, टेराकोटा। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण हमें कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है सिंधु सभ्यता से। प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है, हमारी सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो आज अब देखिए कल आपका आएगा हड़प्पा कला, कल नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा कला पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, क्योंकि मैं देखिए बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो क्या आप लोग मुझे एक लाइक भी नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है मैं मेहनत करती हूँ